कि फलाने लोग ये कहते हैं बेसिकली शेर हो जाते हैं। शेर वजह बताओ। बेसिकली कहते हैं कि मैं इसको समझता हूँ, आप शेर को समझते हैं, शेर हो गया। शेर और हाथी का मुकाबला करा रहे हैं, अगर हाथी ने शेर को मार दिया तो फिर हाथी शेर को मार शेर हाथी को मार सकता है लॉजिकल बात। हाथी हाथी को नहीं मार सकता, लॉजिकल है। हाथी शेर क्यों क्यों ताकत की रामत है? हाथी मार सकता नहीं, हाथी नहीं क्यों नहीं मार सकता, बस इस वजह से, इस वजह से हाथी मार, हाथी को छोड़े, हाथी उसको काबू कर लेगा। आप क्या कर लेगा, आप क्या कहते हैं क्यों नहीं मार, हाथी को काबू कर लेगा किस तरह, किस चीज से? वो हाथी की सूंड के करीब, ये याद रखना एक बार हाथी ने ऐसे करना झटका, वो जाना शेर ने होते थे तुम शेर को कहते क्यों ये बताओ, छोड़ो तुम हाथी शेर को, शेर सिंबल ऑफ फेयरनेस है, लोग कहते हैं इसलिए, ये तो लॉजिकल सी बात है, सिंबल ऑफ पावर है, लोग कहते हैं इसलिए, मैं बता रहा हूँ गलत कहते हैं, पादरी की नाम है, किस मर्जी पॉइंट ऑफ व्यू देखने, कहाँ कहाँ देखेंगे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं कभी ऐसा जिक्र नहीं हुआ है शेर बादरी की इलामत है, यार ये लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू में आ रहे हैं, हारून सबसे ज्यादा मेरी बात याद रखना, एक मिनट तुझे इससे ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग गुफ्तगु में चीज नहीं लगेगी, हम कोई टॉपिक बात छेड़ रहे हैं, कोई टॉपिक सर बोल रहे हैं ना, आपने अपने टाइम पे बोला, अब मुझे बोले, जब भी हम कोई बात शुरू करते हैं ना मिड में आके हमने उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शामिल करना होता, यार इस पे जरा लोगों को कहेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, मुझे ये ना बताएं लोग कहते हैं इस्लाम कहता है, मैं हमेशा बात करूं, मैं कहता हूं सही बात, मैं हाथी को ताकत दे रहा हूं, सही बात उमर साहब, बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं कहा जी, लोग कहते हैं मरूफ करने वाली बात है, लोग कहते हैं ये वजह हाथी कहते हैं, हाथी मैं कहता हूं जो मर्जी जानवर जिसको आप ताकत की इलामत समझे ना और हाथी के साथ मुकाबला नहीं सही उमर साहब, आपके वॉल्यूम चाहिए हमें, मैंने ये बात इसको एक्सपेरिमेंट भी दिया, लोग आप तो बातें करते ना, एक्सपेरिमेंट एक ओपन अरीना है, कई अरीना है दुनिया में इंडोर, एक हाथी को भी उधर रख दे और एक शेर को भी उधर रख दे, दोनों को खाने को कुछ ना दें, पीने को कुछ ना दें, दोनों में से जो भी पहले भूखा होगा ऑब्वियसली आप खाने के लिए वो सामने दूसरी चीज़ें शेर का होगा, जो भी होगा ना, सपोजिंग हाथी ने नहीं खाया महीना पहले तो भूखा पहले हो जाता है, वो दूसरे पे अटैक करना नेचुरली बनता है या नहीं बनता, नहीं उमर लेकिन फाइट होगी या नहीं होगी, जो जिंदा बच गए वो जीत कर वो ताकत बाहर निकल पाए, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली बात आ गई, तो जो उसमें बच जाएगा वो ताकत की इलामत लोग, इस पे आप एग्री हो ना, इसमें मुकाबले का करा रहे हैं आप, एग्रीड 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 ऑन रिकॉर्ड एग्रीड, जल्द आप मुकाबला देखेंगे, तो नाज़रीन ये तय हुआ कि अब जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा हम कुछ नहीं कह सकते, मैंने कहा आप क्या, मैंने कहा मैं तुम्हें, तो मैंने वो प्रूफ करेगा, मैंने प्रूफ के लिए एक एक्सपेरिमेंट पेश किया सर, मैं सबका शेयर एक्सपेरिमेंट आएगा उसमें रिजल्ट होगा फिर उससे मैं शेयर के साथ, मुझे खुद क्योंकि पता क्यों, वो जिस चीज तस्वीरों में जो शक्ल दिखाई जाती है ना वो लोग पड़ा कुछ शिकार करता ही नहीं, उसने हाथी को क्या मारना, मुझे तो ये पहले बताएं, बताओ हारून जी जी जी, बबर शेर साहब खुद शिकार नहीं करते, जी जी शेर नहीं शिकार, उसको शिकार करने का तरीका ही नहीं आता, हाँ हाथी का शिकार क्या, बैठ के वो खाली अपनी जो बाउंड्री है ना वो अपने यूरिन से अपनी बाउंड्री सेट करते हैं, तो नाज़रीन इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, अगले एपिसोड में हम शेर और हाथी मुकाबला देखेंगे, किसी नए ऑफिसर के साथ जाइए, नहीं टाइम नहीं दिया कि मैं इतने, नहीं नहीं टाइम तो कोई नहीं है, जब मर्जी प्रूफ करो, जब मर्जी जब मर्जी, हम तो माने हम तो सच्चाई की तलाश में बैठे हैं कि शेर ज्यादा ताकतवर है कि हाथी।